सो गाइस, आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि 2023-24 में एटीएम कार्ड आने में या फिर एटीएम कार्ड बनने में कितना समय लगता है। देखिए, बेसिकली जैसे ही हम लोग बैंक में एटीएम कार्ड अप्लाई करते हैं या फिर एटीएम कार्ड के लिए फॉर्म भरते हैं, तो वैसे ही हम लोग के दिमाग में कीड़ा से आ जाता है कि भाई मेरा एटीएम कार्ड कब आएगा, कब मैं उस एटीएम कार्ड का यूज करूँगा और उस एटीएम कार्ड के माध्यम से गूगल पे, फोन पे ऑनलाइन लेन देन कब करूँगा। ठीक है, और देखिए, जिस किसी का भी बैंक में अकाउंट होता है वो बंदा जाहिर सी बात है कि चाहेगा कि मेरा एटीएम कार्ड जल्दी आए और मैं उसका यूज करूँ। लेकिन ऐसा ऐसा केस हम लोग के सामने आ जाता है कि एटीएम कार्ड अप्लाई किए हुए 2 महीना 4 महीना 6 महीना तक हो जाते हैं, लेकिन एटीएम का वेलकम किट का भी हम लोग को पता नहीं चलता है कि आखिर एटीएम कार्ड आया है या फिर नहीं आया है, एटीएम कार्ड बना है या फिर नहीं बना है, इसके बारे में हम लोग को कुछ भी आइडिया नहीं लगता है। तो ऐसे में आज के इसमें मैं आप लोग को बताने वाला हूँ कि 2023-24 में एटीएम कार्ड आने में, एटीएम कार्ड बनने में कितना समय लगता है। तो एटीएम कार्ड अप्लाई करने से लेकर के एटीएम कार्ड आपके घर तक पहुंचने में जो भी टाइम ड्यूरेशन लगता है, आप लोग को डिटेल से बताने वाला हूं, जिससे आप लोग को सही और सटीक जानकारी मिल सके। तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा। देखिए, बेसिकली अगर बात करें एटीएम कार्ड अप्लाई करने से लेकर के, तो देखिए आज के समय में मल्टी बैंक हैं, यानी कि बहुत सारे बैंक हैं और सभी बैंकों का अलग अलग रूल है, अलग अलग नियम है। देखिए, कुछ सारे ऐसे बैंक होते हैं जिनमें अगर आप एटीएम कार्ड अप्लाई करने के लिए फॉर्म जमा करती अगर बैंक में, तो वो भाई अगर आप लोग तीसरी बार अगर फॉर्म जमा करने जाओगे तो भी आप लोग को वो एटीएम का फॉर्म उसी लाइन में ही मिल जाएगा आप लोग को। इसका मतलब सीधा है कि अगर आप लोग एटीएम का फॉर्म भरने अगर जाओगे तो बैंक वाले आपका एटीएम कार्ड अप्लाई करते ही नहीं हैं, जिसकी वजह से आप लोग का एटीएम कार्ड बनता ही नहीं है और आप लोग का एटीएम कार्ड आप लोग को नहीं मिल पाता है। पहला मिस्टेक देखिए यहाँ पर होता है, आप केवल बैंक में एटीएम कार्ड का फॉर्म जमा कर देने से एटीएम कार्ड अप्लाई नहीं होता है। जब बैंक वाले आपके अकाउंट पर एटीएम के लिए रिक्वेस्ट जब तक नहीं डालेंगे तब तक आप लोगों का एटीएम कार्ड अप्लाई नहीं होगा। ठीक है, तो पहला ये चीज़ है, इस वजह से लोगों को एटीएम कार्ड नहीं मिल पाता है और काफ़ी 2 महीना 4 महीना भी हो जाते हैं फिर भी आप लोग को एटीएम कार्ड नहीं मिल पाता। ठीक है, अब दूसरी चीज़ देखिए, अगर सपोज दैट अगर बैंक वाले ने आपका एटीएम कार्ड मान लीजिए अप्लाई कर दिया तो ठीक है, ठीक है, लेकिन यहाँ पर थर्ड स्टेप, यहाँ पर दिक्कत ये होता है कि मान लीजिए एटीएम कार्ड तो वहाँ पर बन चुका है, एटीएम कार्ड जो है डिलीवर भी कर दिया जाता है आपके होम एड्रेस पर, डिलीवर एड्रेस पर। ठीक है, लेकिन कभी कभी इनकेस ऐसा हो जाता है कि जो पोस्टमैन लोग होते हैं वो आप लोग को एटीएम कार्ड डिलीवर नहीं कर पाते हैं। देखिए, किसी किसी विलेज में ऐसा होता है कि विलेज काफ़ी ज़्यादा बड़ा होता है या फिर एरिया काफ़ी ज़्यादा बड़ा होता है, जिसकी वजह से पोस्टमैन लोग क्या होता है कि भाई आपके नाम से मे भी आपको वो डिटेक्ट ना कर पाएँ, आपको फाइंड आउट ना कर पाएँ, जिसके वजह से वो लोग दो काम करते हैं, या तो एटीएम कार्ड अपने पास रखे रह जाते हैं और दोबारा से उसे रिटर्न कर देते हैं, क्योंकि हर एक एटीएम पर जो है रिटर्न करने का जो एड्रेस भी होता है उस एड्रेस पर या तो वो लोग उसे रिटर्न कर देते हैं या फिर बैंक के ब्रांच में ले जा करके जमा कर देते हैं, जिस बैंक के ब्रांच का एटीएम कार्ड होता है उसी बैंक के ब्रांच में ले जा करके जमा कर देते हैं। तो देखिए, अगर आप लोगों ने एटीएम कार्ड अप्लाई किया है तो अप्लाई करने के करीबन 1 से 1.5 हफ्ते के बाद आप लोग अपने पोस्टमैन से जा करके ज़रूर मिलिएगा कि नहीं भाई मेरे इस नाम से एक पार्सल आएगा, एटीएम कार्ड आएगा जो कि मुझे प्रोवाइड कर दीजिएगा। ठीक है, और साथ में अगर पोस्टमैन के पास अगर नहीं आता तो आप लोग एक बार ब्रांच में जाकर के जरूर विजिट कीजिएगा, क्योंकि देखिए कई सारे ऐसे बैंक होते हैं जो कि अपना एटीएम कार्ड, डेबिट कार्ड पोस्टमैन के थ्रू या फिर पोस्ट के थ्रू ना भेज करके डायरेक्टली वो लोग बैंक में भेजते हैं। ठीक है, तो ऐसे में आप लोग बैंक में भी जा करके एक बार जरूर चेकआउट कीजिएगा कि कहीं आपका एटीएम कार्ड, डेबिट कार्ड बैंक में तो नहीं आ गया है, नहीं तो आपको परेशानी होगी। ठीक है, तो ये 2-3 चीज़ें हैं, ठीक है, जो कि आप लोग को नोटिस करना है। और एक मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि जब भी आप लोग एटीएम कार्ड अप्लाई करो तो जो एड्रेस का लाइन होता है उस एड्रेस के लाइन में अपना मोबाइल नंबर भी लास्ट में जरूर लिख दो। इससे ये होगा कि जब एटीएम कार्ड आपके पोस्टमैन के पास आएगा तो वो एड्रेस के साथ ही आपका नंबर प्रिंट रहेगा उस एटीएम कार्ड पर, जिससे पोस्टमैन आपको उस नंबर के थ्रू जो है कॉन्टेक्ट करेगा, देन आपको आपका एटीएम कार्ड प्रोवाइड कर देगा। ठीक है, तो ये तरीका है एटीएम कार्ड आने का। अगर बेसिकली बात करूँ 2023-24 में एटीएम कार्ड आने के लिए, तो देखिए लगभग करीबन 20 से 30 दिन भी लग जाते हैं एटीएम कार्ड आने में। आप लोग को 1 महीने तक इंतज़ार करना चाहिए, अदरवाइज आप लोग को दोबारा से रीअप्लाई करना चाहिए। अगर बहुत ही ऐसा रेयर केस हो जाता है कि 40 दिन 45 दिन भी लग जाते हैं एटीएम कार्ड आने में, वैसे तो एटीएम कार्ड आने में करीबन 15 से 20 दिन लगने चाहिए। लेकिन अगर आप मान लीजिए कहीं दूर दराज में हैं, जैसे कि अगर मैं बात करूँ कि आप मान लीजिए कहीं मणिपुर में हैं, आप मणिपुर से एटीएम कार्ड अप्लाई कर रहे हो, ठीक है, और एटीएम कार्ड आपका चेन्नई से बन करके जा रहा है, तो भाई उसमें एटीएम कार्ड जाने में समय लग जाता है। ठीक है, लेकिन आप गुड़गांव में हो और गुड़गांव में ही पंजाब नेशनल बैंक का एटीएम कार्ड मैन्युफैक्चरिंग होता है, तो वहाँ से एटीएम कार्ड डिस्पैच होने में आपके पास मान लीजिए 10 दिन में ही आपके पास एटीएम कार्ड आ जाएगा। तो ये सारे कई सारे रीजन होते हैं, कई सारे फैक्टर होते हैं जिसकी वजह से एटीएम कार्ड आपको मिलने में जो है टाइम लग जाता है। आई होप इस वीडियो से आप लोगों को हेल्प मिला होगा, तो इस चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। मिलते हैं फिर किसी
नेक्स्ट वीडियो में एक नए अपडेट के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।